हेलो दोस्त लोग, आज हमारे पास आया हुआ है ये महाराष्ट्र कोल्हापुर से एक करण भाई है, उनका भाई शिवम भाई है और उनके साथ में मेरा दोस्त चंदू है और उनके साथ में उनका भाई आया है करण भाई। इधर देखिए, वो कबूतर छोड़ दीजिए इधर देखिए, वीडियो बना रहा हूँ। कबूतर सब आपका ही है, ये सब कबूतर लिया है अभी शिवम भाई। करण भाई बोलिया का सर, क्या है? सब ठीक ठाक, सब अच्छा है, सब अच्छा है। शिवम भाई क्या बोले, क्या हो रहा है? फीलिंग शाय लिटिल बिट लिटिल बिट। ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर है शिवम भाई, हमारा एनएचडीसी इंस्पेक्टर है करण भाई। डेढ़ साल बाद आया कबूतर लेने, डेढ़ साल पहले आया कबूतर लेने, लेके गया फिर डेढ़ साल बाद आया। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत बढ़िया दोस्त है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा दोस्त है ये चंदू का। वो दोनों दोस्त, ये दोनों मिलके पूरा मेन मेन कबूतर पूरा फिल्टर करके ये उठा रहा है। ये देखिए, ये दोनों, ये मेरा दोस्त है इधर मेरे साथ में रहने वाला, इनकी वजह से ही मैं इस पोजीशन में हूँ। ये चंदू, ये करण भाई महाराष्ट्र के, ये दोनों मिलके जो जो अच्छा अच्छा उड़ाता हूँ ये हर बार ये दोनों मिलके निकालता है। चंदू भाई मुझे जो भी कबूतर आज तक दिया है वो पूरा पूरा कबूतर रिजल्टेड रहा है। चंदू भाई दिया, आकाश भाई तो नहीं दिया ना, आकाश तो नहीं दिया। यहाँ से कभी भी कबूतर लेके गया हूँ, कभी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। जितना भी आज तक कबूतर लिया है सभी रिजल्ट दिया है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मेरा कबूतर उड़ा, मुझको मालूम है मेरा कबूतर उड़ता है। अच्छा उड़ा ना करण भाई, बेहतरीन उड़ा है। आपका कबूतर मेरे पास 8-9 घंटा इजिली उड़ा है। और ये भी लेके जा रहा है, देखेंगे क्या रिजल्ट होता है। शिवम भाई पहली बार आया बात कीजिए शिवम भाई कुछ ना कुछ नहीं। आकाश भाई का कबूतर उड़ाया है, 4:30 बजे तक मेरा कबूतर पूरा टोटली दिख के खेल रहा था, नीचे से ही खेल रहा था, एक साथ खेल रहा था। उसके बाद मेरा कबूतर जो बंद हुआ, एक घंटा पाँच मिनट मेरा कबूतर बंद हुआ। उसके बाद फिर से खोला मेरा कबूतर, फिर 7:30 बजे जो मेरा कबूतर बैठना चालू हुआ, 10 बजे तक मेरा कबूतर बैठा है। वो मेरे उधर सभी को मालूम है मेरा कबूतर कितना उड़ा है क्या नहीं। रात को मेरा अकेले का ही कबूतर बैठा है उधर, रात में 10 बजे तक उड़ा है। हाँ उड़ाया है, सभी को मालूम है। अच्छा उड़ा है, इस बार भी ये कबूतर लेके जा रहा है, अच्छा उड़ाई है। थोड़ा रिजल्ट भी बताइए, क्योंकि आप लोग जैसा उड़ा रहे तो जिन जिन के पास नहीं उड़ रहे, जिस जिस के पास रिजल्ट नहीं हो रहा है, वो लोग भी आप लोगों से देख के सीखेगा थोड़ा उड़ाने के लिए। उनका कबूतर लेके पहले उसको प्रिपरेशन करना पड़ता है, पहले घर पे उसको हिलाना पड़ता है अच्छी तरीके से। आप कबूतर निकालेंगे उड़ेगा तो कबूतर रुकेगा नहीं। कबूतर पहले अच्छी तरह से अपने कबूतर में घुल मिल जाए, उसको अपना घर मालूम हो जाए, तब उड़ाने के बाद कबूतर 100% घर में छोड़ता है। ये फीमेल आकाश भाई ने दिया है मुझे, और ये मेल चंद भाई ने पर्सनल रिकमेंड किया है ये पैर बनाने के लिए। ये पैर देखो भाई, आप क्वालिटी देखो। मैं नहीं देखना, आप देखना, आप वीडियो वाले लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए जोड़ी कैसा है, कैसा है जोड़ी देखिए। और दूसरा जोड़ी दिखा देंगे, और दूसरा जोड़ी दिखा रहा है देखिए। ये सफ़ेद रंग की नर है, एक दर मादिन है देखिए, और ये नर देखिए, नर की क्वालिटी देखिए, एकदम हेल्दी परफेक्ट है कबूतर भी, अच्छा क्वालिटी है। और दूसरा जोड़ी दिखा देंगे, तीसरा जोड़ी दिखा रहा है देखिए, दोनों भाई दिखा रहा है देखिए ये कबूतर, छोड़ दीजिए मैं दिखाता हूँ। देखिए नर कैसा है, और ये नर दिखाओ शिवम भाई, बहुत पुराना नस्ल है। और ये जोड़ी देखिए, ये बैक पैर कहते हैं तेलुगु में, गब्बिलम कहते हैं उसकी उड़ान, ऐसा ही होता है। और कबूतर भी एकदम एकदम तगड़ा है देखिए, इतना क्वालिटी है, बहुत क्वालिटी है। और अभी इधर हमारे साथ अभी ये मेरा दोस्त है नज़ीर करके आया है इधर,
ये मेरा बचपन का दोस्त है, ये भी, ये लोग बहुत पुराना कबूतरबाज है ये लोग भी, लेकिन किसी का कबूतर पकड़ेगा तो किसी को नहीं देता है, किसी को दिया भी नहीं। हम मेरा कबूतर भी बहुत बार पकड़ा है बचपन में, ए, इनका भाई लोग भी है बड़े वाले, किसी को नहीं दिया, एक कबूतर भी नहीं देता है। लेकिन हम मेरा हमारा दोस्ती ऐसा नहीं, ऐसा है कि कबूतर कभी कबूतर के रिलेशनशिप नहीं। करण भाई और अनिश भाई दिखा रहा है कि अनिश भाई करण भाई के पास कबूतर पूरा देखभाल करता है। ये हरा पेड़ देखिए, हरा नर, क्या इसमें से आधा कबूतर जबरदस्ती में लिया है, जबरदस्ती में लेकर भी जबरदस्त मान के लिया है करके बोल रहे हैं। और ये है ना, बीच में आके पूरा खत्म हो गया था, बीच में आके दो तीन कबूतर है वो जस्ट एटलीस्ट उड़ाने के लिए रखा, वो भी निकाल के दे दिया करण भाई को। चंद्र अन्ना के लिए वेरी वेरी थैंक्स, क्योंकि उन्होंने दो तीन कबूतर मुझको अच्छे उड़ाने के लिए दिए। खुद उन्होंने यहाँ पे वो कबूतर 8-10 घंटा उड़ाया हुआ है, वो कबूतर उन्होंने मुझको दिया, इसलिए चंद्रनाथ थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये देखिए जाकनर और ये लाल मादिन, ये चांदनी मादिन दिखा रहे अनिश भाई। ये बहुत पुराना नस्ल का नर है, बहुत बोले तो बहुत पुराना नस्ल का एलएलसी रोमी का है। इसके नीचे लाल बच्चा निकलता है एलएलसी राग, और लाल खैरा ऐसा निकलता है। अभी देखिए ये सारा कबूतर दिखाने में पूरा दिन भर जाएगा, हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। देखिए ये फुलसिरा नर, ये एलएलसी रोमी में बना हुआ है, पुराना बहुत पुराना नस्ल का है। देखिए इनर, इनर ऑलरेडी 12.5 घंटा ऐसा उड़ा हुआ है, इनर बहुत अच्छा नर है। ये करण भाई ले लिया, क्या करेंगे, मना तो नहीं करेंगे। और ये जोड़ी देखिए इनर, ये बहुत पुराना पिलंकों में का है, ये कभी नॉर्मल उड़ान में ही 7-8 घंटा उड़ लेता है नॉर्मली। और ये मादिन, ये पहले हमारे पास 13.5 घंटा उड़ा हुआ है ऑल इंडिया में, एक मादिन उसकी बेटी है, वो मर गया इधर फार्म शिफ्ट होने के बाद, उसकी बेटी है। ट्रेनर देखिए इधर लोकल टूर्नामेंट में एक भाई के पास, सलीम भाई करके वह है, उनके पास ऑलरेडी 6:30 बजे तक उड़ा हुआ है। ये मादिन देखिए, ये हमारा घर में फुल टाइम उड़ा हुआ है। और ये मादिन भी, ये मादिन भी बहुत अच्छा उड़ा हुआ है। और ये नर भी, वो सलीम भाई के पास उड़ा हुआ नर के साथ उड़ा हुआ नर है। और ये कलमा नर देखिए, ये देखिए, ये मेरा बड़ा नर का बेटा है पुराना, मेरा हाथ में बहुत आदत है। एक्चुअली ये किसी को नहीं देते, ये करण भाई के लिए दिया हूँ, उनको क्या करेंगे, ऐसा ऐसा हो गया करण भाई के साथ रिलेशनशिप। ये नर भी मेरा भाई है बालू करके, उनके घर के ऊपर उड़ा हुआ है। ये पिलंका नर देखिए, ये मुझे काट रहे, देखिए कैसा काट रहे, देखिए ये कैसा काट रहे, देखिए ये ABC नर का बाप है ना, उसका बेटा है, ये करण भाई को दिया है, ये नहीं दिया तो भी लेके जाएगा, डायरेक्ट बेटा है, ये भी ले लिया, पूरा पूरा नस्ल ले लिया, ये एकदम स्पेशल है। ये हमारा पुराना फार्म में जो 22 दिन उड़ा हुआ है वो नर का बेटी है, ललसा मादिन का, और वो नर को लगा इसका बेटी, भैया इसको उड़ाएगा नहीं तो ब्रीडर बनाएगा, आप देख लीजिए इसका रिजल्ट तो बनाना है। देखिए नर देखिए कैसा है, देखिए मुझे मार रहे, देखिए कैसा मार रहा है, बड़ा कलमा नर का बेटा है। इसका बाप भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, बहुत टेम्पर है, बहुत टेम्पर है, दिखने में इतना नॉर्मल दिखता है ना, ओ उड़ान में बहुत टेम्पर है। और देखिए पूरा ओपन है, भाई लोग कबूतर दिखा रहे हैं ना, ये देखिए सुरमा नर है, ये नस्ल देखिए कबूतर की क्वालिटी देखिए भैया, इसका उम्र 9 साल है, अभी भी शाम तक उड़ते हैं, अभी भी शाम तक उड़ते हैं, नॉर्मल उड़ाए तो है, उड़ के बैठता है ऐसा ही, पर में छोड़ दिया पुराना नर करके, इसको क्या करेगा कि। और ये नर है ना बहुत उड़ा है,
बहुत उड़ा हुआ है, बहुत उड़ा। ये नस्ल पूरा आप लोग अभी देखा ना, बहुत है। ये बाहर लोगों का अभी तक पता नहीं, पहली बार आप लोगों को लेके जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को कलर वाला कबूतर ही पसंद है। जो कबूतर खूबसूरत दिखाई देता है ना, वही कबूतर पसंद है। नॉर्मल कबूतर ये अच्छा है भैया करके बोला तो नहीं लेता है। ये कबूतर देखिए कैसा है, लेकिन इनकी उड़ान बहुत 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 है। ये देखिए क्या है, लोगों को, बहुत लोगों को हम बोल नहीं सकते ना भैया। आप जैसा लोग हमारा दोस्त लोग हैं, आप लोगों को बोल के दे सकते ना कबूतर ये अच्छा है करके। आप लोग क्या है लेके जाते हैं, उड़ाते हैं। हाँ, आप लोग आदमी को ट्रस्ट करते हैं, बहुत लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। सिर्फ कबूतर ही एक कलर वाला लेता है, फिर नहीं उड़ा करके बोलता है, रोता रहता है। उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते ना। अभी तक करण भाई को जो जो कबूतर दिया वो देखा ना। अभी ये सिंगल कबूतर है, देखिए एनर टाइगर लाइन का है, पुराना नस्ल, बहुत अच्छा क्वालिटी का कबूतर है। इसका मादिन रिसेंटली मर गया था। नर देखिए कैसा है, और ये जोड़ी देखिए कैसा है, टाइगर लाइन का प्योर डायरेक्ट जोड़ी है। क्वालिटी देखिए समझ में आ जाता है। और ये जोड़ी के नीचे ना बबरे निकलता है, जैसा मेचिया बोलता है, कुछ लोग बबरा बोलता है, कलसरा निकलता है, सब्जा निकलता है, ऐसा इस कलर का निकलता है, कलसरा निकलता है, वार कलर का कबूतर बच्चा निकलता है इस जोड़ी के नीचे। एकदम बेस्ट जोड़ी है, एकदम टॉप क्लास जोड़ी है। और ये जोड़ी देखिए, ये जोड़ी के नीचे फुलसरा निकलता है, कलसरा निकलता है, और फटका निकलता है, खैरा, कुछ लोग खैरा बोलते हैं, फटका बोलते हैं, हम चपका बोलते हैं। ये जोड़ी भी एकदम टॉप क्लास जोड़ी है। अभी ये जोड़ी देखिए कैसा है, सुपर क्लास जोड़ी है, सुपर क्लास जोड़ी है, टाकी नर और कलमा मादिन। इस जोड़ी के नीचे कलंका में बच्चा निकलता है, पिलंका में निकलता है, टाकी में निकलता है, कलमा निकलता है, फुलसरा निकलता है, और प्योर वाइट निकलता है। ये जोड़ी बहुत पुराना नस्ल का जोड़ी है, ये घर का है, और इनकी उड़ान भी बच्चा भी नॉर्मली 7-8 घंटा उड़ लेता है। पहले समय में ही ज़्यादा मेहनत का भी करना नहीं पड़ता है, उतना अच्छा जोड़ी है। ये जोड़ी का बच्चा भी किसी को चाहिए तो रेडी है, दे देंगे। अभी एक्चुअली बहुत लोग ये कलर का कबूतर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत कम लोग पालता है ये कलर। एक्चुअली ये कलर में कबूतरों की उड़ान बहुत है, ये सब्जा खैरा में और ऐसा निकलता है, और ये मादिन भी ऑलरेडी 11.5 घंटा ऐसा उड़ चुका है। ये नर भी बहुत पुराना है, बहुत उड़ चुका है। इस जोड़ी को लगाए इस बार नया, इस जोड़ी का बच्चा रिजल्ट देखना है, 100% होता है, क्योंकि ये दोनों उड़ चुका है और अच्छा अच्छा टाइमिंग भी किया है, बिना मेहनत अच्छा टाइमिंग किया है। और ये जोड़ी देखिए, ये दोनों भी ललसरा और कलसरा मिक्स में का है। कलसरा में लाल फूल लाल शेड आता है, और दोनों का बच्चा ऐसा ऐसा निकलता है, कलसरा निकलता है, ललसरा निकलता है, और नफ्ता भी निकलता है। इतना अच्छा रिजल्टेड है, बहुत बढ़िया रिजल्टेड है। देखिए जोड़ी कैसा है। और फिर दोस्त लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत पुराना कबूतर है वो, नेक्स्ट वीडियो में शो करवा देता हूँ। बाय बाय, थैंक यू।